हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोगों ने टोटल मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ए मैन इज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मैन वेइंग 60 kg इफ ही इज ऑन ए हाइट ऑफ 50 meter At this speed, take g is equal to 10 meter per second square। यानी कि आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालना है। अगर एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और वो 50 मीटर के हाइट पे है, ठीक है, और उस बॉडी का जो वेट है वो दिया हुआ है 60 kg और g का वैल्यू लेना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में क्या निकालना है बच्चों? टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग पढ़ा था टोटल एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्या चीज़? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी। तो हम लोगों को पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, फिर दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देख सकते हो सब कुछ गिवेन है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो मास दिया हुआ है, वी भी आपको दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, फॉर्मूला होता है mgh, तो देख सकते हो जी दिया हुआ है, मास तो दिया हुआ है 60 kg और एच दिया हुआ है 50 meter। बस आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ दो। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? आप समझ गए? चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन था बच्चों, मैंने लिख दिया मास 60 kg, हाइट 50 meter, वेलोसिटी 30 meter per second। क्लियर है? और जो दिया हुआ है आपको यहाँ पे टोटल एनर्जी, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देखो mgh के लिए मास 60, जी का वैल्यू 10 लेने बोला और हाइट मेरा 50 है, पुट कर दिया तीनों, प्लस दिया बीच में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऐड करेंगे, तो हाफ जो आपका m है दिया हुआ है 60 और जो मेरा वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 30। इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों, तो mgh का वैल्यू आएगा आपका 30,000 और हाफ mv का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 27,000। अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे ना तो आ जाएगा 57,000 joule, ठीक है। अगर आप किलो जूल में बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे 57 kilo joule।